आज के वीडियो में क्लास ट्वेल्व और टेंथ के लिए नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आसान तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं बहुत ही सरल विधि देखिए इस तरह से बनाएंगे एक पहले ऊपर अंडा फिर छोटा सा अंडा और फिर दो इधर नोक जैसे निकालकर पतली नली यहां तक बना देंगे और फिर यहां थोड़ा सा चौड़ा भाग कर देना है और चौड़ा भाग करने के बाद इधर से कोरोना रेडिएटर निकाल देना है ये कोरोना कहा जाता है इसको जो नीचे बनाया गया है चौड़ा सा भाग में और इसके अंदर जो रक्त भरता है वो वाला भाग हो जाएगा थोड़ा सा सही भी कर लेंगे देखिए आप सभी लोगों को पेंसिल से ही चित्र बनाना है पेन से चित्र नहीं बनाना है और कलर भी यानी लाल कलर का प्रयोग भी नहीं करना है हमने यहाँ पर कलर किया हुआ है और कलर से बनाया हुआ पेंसिल से नहीं बनाया है आप लोग ध्यान रखेंगे पेंसिल से ही चित्र बनाएंगे यहां पर देखिए से बना देंगे और शुक्रवाहिनी को निकाल देंगे फिर इधर भी बिल्कुल उसी तरह से से बना देंगे और शुक्रवाहिनी को इधर निकाल देंगे इस तरह से पेंसिल से बनाएंगे तो जहां गलत होता है उसको मिटा भी सकते हैं हमने पेन से बनाया है तो थोड़ा सा मिटाना असंभव था आप लोग पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे ऊपर जो मैंने निकाली हुई नलिकाएं वो मूत्रवाहिनी है इसको मैंने हल्का सा कलर भी कर दिया है आप लोग वहां पर कलर मत करिएगा अगर करते भी हैं तो पेंसिल कलर करेंगे वो भी बाद में अगर समय बचता है तो इस तरह से कलर कर देंगे आप लोग बहुत ही अच्छा है कि आप पेंसिल से ही चित्र बनाएं, कलर पेन का प्रयोग ना करें लाल का प्रयोग ना करें फिर इधर जो वैश डिफ्रेंसियाँ थी या शुक्रवाहिनियाँ थी इनको लंबाई में बना करके देखिए शुक्रवाहिनी को लंबाई में बना करके यहाँ वृषण को बनाया है और उसमें वृषण को भी बना दिया है ये अधिवृषण है जो वृषण के ऊपर मैंने कुंडलित बनाई हुई है रचना लगभग में चित्र बन गया है यहाँ पर देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है इसको यहाँ से जोड़ करके और इस ग्रंथि की कुछ संरचनाएं यहाँ पर बना देंगे इस तरह से और इसके बाद नामांकन करेंगे तो इतनी आसान विधि से आप नरजनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं इसको लिखेंगे मूत्रवाहिनी हिंदी में नामांकन कर रहे हैं अभी अंग्रेजी में नामांकन करना आपको बताएंगे ये मूत्राशय हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है इसे शुक्राशय हो जाएगा यानी सेमिनल वेस्कल्स कहा जाता है इसे शुक्राशय को ये प्रोस्टेट ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, अगर नर जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल से वीडियो देख सकते हैं वीडियो पड़े हुए हैं ये शुक्रवाहिनी हो जाएगी जिसे डिफरेंस कहा जाता है ये देखिए ये है अधिवृषण जो कुंडलित होते हैं कुंडलित होते हैं इपिडिस कहा जाता है इसे अंग्रेजी में ये है वृषण या टेस्टिस कहते हैं और फिर ये देखिए यह है पेनिस जिसे सिस्ट कहा जाता है हिंदी में अब अंग्रेजी में नामांकन ना आप लिख सकते हैं लेकिन उसके पहले यहां पर मूत्र मार्ग रह गया था लिखना मूत्र मार्ग लिख दिया है बीच वाला भाग अब इनको अंग्रेजी में लिख देते हैं तो देखिए जो सिस्न है नीचे से लिखते हैं सिस्ट है इसको पेनिस कहा जाता है वृषण को टेस्टिस कहा जाता है आधे प्रेषण को एपिडिडाइमिस कहा जाता है एपिडिडाइमिस, मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहा जाता है यूरेथ्रा शुक्रवाहिनी को वैश डिफरेंस कहते हैं अभी मैंने आपको समझाया था प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है शुक्राशय जो है ये सेमिनल वेस्किल्स होता है बी ई एस आई सी एल ई वेस्किल्स जो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र यूरेटर होते हैं इस तरह से नामांकित चित्र बन गया है आशा है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए धन्यवाद